अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ पीटीआई की, जो पंजाब में बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर कामयाबी हासिल करी। बहुत मुझे अच्छा लगा, अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी अता फरमाए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मैं कह रही हूँ कि हमारे सिंध के जो मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ, और सिंध के जो इलेक्शन होने वाले थे 24 तारीख को, वो इलेक्शन पी ने और एनकेएम ने प्रोपेगेंडा करके कैंसिल करवा दिया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन खान साहब के हम साथ थे और हम साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो हमारा रिश्ता है और जो पाकिस्तान जिस नाम पर बना है, वो रिश्ता हमारा कायम है, कायम रहेगा। पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई के सपोर्टरों को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। दुश्मनों के जो दुश्मन मुखालिफिन हैं, जो अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत अता फरमाए। मैं तो सबके लिए ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको बुराइयों से बचाए जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। अब देखिए कि पंजाब में जो माशाल्लाह क्या नाम है, हमारी पीटीआई ने जो कामयाबी हासिल करी है, उसके ऊपर लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई है कि अब जो है शहबाज शरीफ के लोग और नून लीग के लोग उन्हें ख़रीदने के लिए उनको ऑफरें पेश कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन हमारे जो पीटीआई के सपोर्टर हैं और जो भी जीते हुए हैं वर्कर्स हैं, इंशाल्लाह वो कभी बिकने वाले लोटे नहीं हैं जो बिकेंगे। ये नून लीग के और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिकने वाले लोग हैं, जो ख़रीदते हैं और ख़रीद फरोख्त की मंडियां हमेशा गर्म रखते हैं। ऐसा अभी अब नहीं होगा इंशाल्लाह। पीटीआई जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।